दोस्तों अक्सर जब हम अपने हाथ से किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। यह दो कारणों से होती है। पहला कारण तो हो सकता है डर, क्योंकि हमें डर लगा रहता है किसी फॉर्म को फिल करते समय कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, और इसी के चलते हमसे मिस्टेक हो जाती है। और दूसरा कारण हो सकता है कम इन्फॉर्मेशन का होना। जब हम किसी भी फॉर्म को फिल करने जाते हैं तो हमें उसकी कम इन्फॉर्मेशन होती है फॉर्म की, और हम फॉर्म को फिल करने बैठ जाते हैं और इसी के चलते हमसे मिस्टेक हो जाती है फॉर्म के अंदर। तो भैया ऐसी कुछ यूपीपीएससी पीसीएस के फॉर्म में हुआ है। मैंने इस फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस और फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस, इन दोनों की वीडियो अलग अलग बनाई थी। तो इस पर मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया है कि मुझसे इस फॉर्म में गलती हो गई है, अब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनानी चाहिए, जिसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता सकूं कि आप यूपीपीएससी पीसीएस के फॉर्म में करेक्शन कैसे कर सकते हैं। पर करेक्शन करने से पहले, अगर आपने यूपीपीएससी पीसीएस का फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है और आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हमने इस पर अलग से वीडियो बनाई है। और अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं इसका बट उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाई है। दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखना। मैं वादा करता हूं उन वीडियोस को देखने के बाद आपको यूपीपीएससी पीसीएस का फॉर्म फिल करने में या इस फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन काम की लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी काम की वीडियोस आप तक आती रहे। अब फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको यूपीपीएससी पीसीएस के फॉर्म में करेक्शन करने की पूरी प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों यूपीपीएससी पीसीएस के फॉर्म में करेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले formjankari.com वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्म 2022 का पेज ओपन कर लिया है। इस पेज पर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी डिटेल्स मिल जाएंगी और पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। अब हम इस पेज पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आ गए हैं। अगर आप इस वैकेंसी की फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस जानना चाहते हैं या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की पूरी प्रोसेस देखना चाहते हैं तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको यहां पर मिल जाएगी। अब हम इस फॉर्म में करेक्शन करने वाले हैं, तो आपको नीचे यहां पर दिख रहा होगा करेक्शन एडिट फॉर्म, इसके सामने क्लिकर का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम मॉडिफिकेशन के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ लेना है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर दिया हुआ है आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत अभ्यर्थी केवल एक बार ही भरे हुए आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। उसके बाद इसी पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा संशोधित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा, मतलब जो आवेदन पत्र में संशोधन आप करेंगे उसका प्रिंट आउट भी आपको मिल जाएगा। अब नीचे सेकंड पॉइंट में ये चीज बताई गई है कि आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है ऐसे मामले जिनमें संशोधित का शुल्क अधिक है को छोड़कर ही शेष कॉलम में परिवर्तन किया जा सकता है, तो आप जाति और मूल्यवासी जैसे कॉलम भी अपडेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको चेंज करने पर आपकी शुल्क कम ज्यादा हो सकती है। अब इनमें भी अगर आपको कोई करेक्शन करना है, मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या जाति मूल्यवासी जैसे कॉलम में अपडेट करना है, तो उसके लिए चौथा पॉइंट दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। यदि अभ्यर्थी को उक्त में से किसी भी कॉलम में परिवर्तन की आवश्यकता है तो वह दूसरा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, मतलब आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति मूल्यवासी जैसे कॉलम में भी एडिट कर पाएंगे, इसके लिए आपको नया ऑनलाइन आवेदन कर देना है। जब आप अपना नया ऑनलाइन आवेदन कर देंगे और उसकी फीस भी कटा देंगे तो आपका पुराना जो आवेदन था वह निरस्त हो जाएगा और आपका केवल नया आवेदन ही मान्य होगा। अब हम इसमें कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पर हैं। यहाँ पर हमें कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, आगे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, उसके बाद कैंडिडेट का जेंडर फिल करना है, नीचे यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ यूपी पूछा गया है, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछी गई है, आगे यहाँ पर कैप्चा दिया हो वो यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद हम वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन थ्रू, हमें किससे अपने फॉर्म को ऑथेंटिकेट करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, तो मैं अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू ऑथेंटिकेट करूंगा, तो इस पर टिक लगाते हैं। अब नीचे हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक नोट लिखकर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है अगर आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको क्लिक हियर टू मॉडिफाई और अपडेट योर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इस पर टिक लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ गया है। अब हम इसमें किसी भी डिटेल को एडिट कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कैंडिडेट का नाम भी एडिट कर सकता हूँ, फादर्स नेम भी एडिट कर सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी एडिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर मूल निवासी की डिटेल को एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर आपने पहले डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश पर यश कर दिया था तो आप उसको नो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं कैटेगरी अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर नीचे मैंने EWS पर नो किया था, मैं इसको यस कर सकता हूँ। नीचे यहाँ पर आर यू मैरिड लिखा हुआ है, इसको हम एडिट कर पाएंगे और जेंडर को भी एडिट कर सकते हैं। अब अदर डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट के ऑप्शन पर हमने कुछ डिटेल्स फिल की थी, उनको भी हम एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद नीचे एम्प्लॉयज से रिलेटेड डिटेल्स पूछी गई है, उनको भी हम एडिट कर सकते हैं। अब हम नीचे दिए हुए प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आ गया है, अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने में कोई गलती हो गई है तो उनको भी आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट फिल किए थे, अगर आपसे इन सब्जेक्ट को फिल करने में कोई गलती हो गई है तो आप इनको भी एडिट कर सकते हैं और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड डिटेल है, अगर आपसे कोई पोस्ट रह गई थी जिसमें आपको यस करना था बट आपने नो कर दिया है, या आपसे कोई ऐसी पोस्ट यस हो गई है जिसे आपको नो करना था, उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं थी बट आपसे गलती से यस हो गई है, तो आप उसको भी एडिट कर पाएंगे यहाँ पर।
उसके बाद नीचे यहाँ पर पूछा गया था क्या आप देवनागरी लिपि में हिंदी जानते हैं, तो इसको भी आप एडिट कर पाएंगे। आगे हमने एड्रेस की डिटेल फिल की थी, इन डिटेल्स को भी आप एडिट कर सकते हैं। जब आप अपनी गलत डिटेल को सही कर लें तो उसके बाद नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसको एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पर यस कर देंगे और उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लिख कर आ रहे हैं कृपया ये चीज पक्की कर लीजिए कि आपने जो डिटेल भरी है वह करेक्ट है और आपने प्रीव्यू भी चेक कर लिया है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे कैप्चा शो हो रहा है, इसको ब्लैंक बॉक्स में फिल करना है और उसके बाद अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि आप श्योर हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म अपडेट हो गया है, यहाँ पर लिखकर भी आ रहा है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब अगर आप अपने एडिट किए हुए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ गया है जो मैंने अभी अभी अपडेट किया था, तो आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो भैया ये थी कंप्लीट प्रोसेस यूपीपीएससी पीसीएस के फॉर्म में करेक्शन करने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको काम की लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।